आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है, क्लियर। यदि उसने इस वस्तु को 103.6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं भाई, माना वस्तु का क्रय मूल्य एक्स रुपए है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया, क्लियर। तो इसका मतलब हमें x का मान निकालना है ना। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार है किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। तो बेचने की बात का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ ना। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, तो क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा? 100 - 12.5/100, क्लियर, इतना हो गया। और कह रहा है, यदि उसने इस वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेचा होता, कितने रुपए? 103.60 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 6% का लाभ होता, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पक्ष हम इधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 + 6 का मतलब क्या हुआ? 106 हो जाएगा ना, 106 है ना, 106x/100, और ये जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 में से अगर इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 87.5 है ना, 100 × x। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 103.6, क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर क्या हो जाएगा? हर समान है ना यहां पर। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? 106x/100 - 175/2 हम इसको लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 175x/200 = 103.6, ठीक। आप 87.5 को 175/2 लिख सकते हैं, क्लियर। 2 से आप भाग करोगे तो यही 87.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पर? 200 हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे भाई, इधर ही कर लेते हैं। यहां पर 200 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या मान आ जाएगा? यहां से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 12 = 2 + 1 आ जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? 175x = 103.6, क्लियर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? 205 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर घटा देते हैं, तो 12 में से 5 घटाओ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 बचा, यहाँ से एक हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाओ 3 आ जाएगा, है ना, 37x हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 103.6 × 200, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक 0 से दशमलव हट जाएगा और एक 0 और आ जाएगा, × 2 37x, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 37 × 2। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 2 × 0 = 0, 2 × 12 = 2, 1 + 1 = 1, 2 × 3 = 6, 1 = 7, 2 × 0 = 2, 1 = 2, 37 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 37 से अगर हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 560 बार,
यहाँ पर x का मान जो आएगा वो क्या आएगा, 560 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, 560 रुपए। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा।